जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 पदों वाली परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और रनिंग कितने पर शुरू करें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित हर एक प्रकार की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है। कौन से शिफ्ट के कितने प्रश्न हार्ड रहे, कितने कठिन रहे, एक नज़र यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए, पद कितने हैं, 60,244, और इसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, तो 2.5 गुना को यूपी पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है। तो मान के चलिए यहाँ पर 1,50,000 के करीब अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर आपने परीक्षा भी कई शिफ्टों में दिया, मतलब 10 शिफ्टों में टोटल पेपर हुआ है, तो कौन सी शिफ्ट कठिन रही, कौन सी आसान रही, यहाँ पर देख लीजिए। वैसे तो अपनी शिफ्ट कठिन, दूसरे की आसान सबको लगती है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो सच्चाई है, यहाँ पर जो हमने क्रम लगा रखा है, सबसे ऊपर जो है कठिन शिफ्ट है, और नीचे जैसे ही बढ़ते जाएंगे आपको उससे आसान शिफ्ट मिलती जाएगी। बाकी आप अपना एक बार अनुमान लगाइएगा, आपको कुछ लगता है तो नीचे कमेंट कर देना है। देखिए, 23 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वह कठिन बाकियों के तुलना में था, और 23 सेकेंड शिफ्ट उससे थोड़ा हल्का। इसके बाद 25 का जो सेकेंड शिफ्ट था, उसके बाद 24 का फर्स्ट शिफ्ट उससे आसान, 25 का फर्स्ट शिफ्ट उससे भी आसान कह सकते हैं, और 24 का सेकेंड शिफ्ट है उससे आसान, ठीक है। उसके अलावा जब आप 30 की फर्स्ट शिफ्ट पर जाएंगे तो यह बहुत एकदम आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकियों की तुलना में यह जो पेपर था आसान था। इसमें GS भी नॉर्मल थी, ठीक है, और रीजनिंग वगैरह की भी यहाँ पर नॉर्मल प्रश्न थे। फिर 23 सेकेंड उससे आसान था। इसके बाद 31, यानी कि जब 30 वाला है, ठीक है, 23 नहीं 30। फिर जब 31 तारीख को आएंगे तो 31 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ वह इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं ठीक है, 31 का फर्स्ट शिफ्ट इसमें हमारा भी था, हमने भी पेपर दिया था 31 सेकेंड में, ठीक है। तो पता है कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, सब कुछ पता है, तो 31 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट यहाँ पर आसान के हिसाब से मान सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया है उसके ऊपर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब 41,000 वाली भर्ती आई थी तो उसमें कट ऑफ जनरल का 225 गया था, OBC का 216, SC का 187, ST का 153। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, SC और ST में काफ़ी अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं मिल पाए तो इसके लिए सेकेंड लिस्ट निकाली गई, ठीक है। 41,000 वाली भर्ती का सेकेंड लिस्ट भी निकाला गया था, क्योंकि रनिंग में लड़के ही नहीं मिले थे। जनरल की उसके बाद 10 नंबर कम हो गई, यहाँ देखेंगे 225 है तो यहाँ 5 क्वेश्चन कम करके यहाँ पर 215 है, यानी कि 10 नंबर करके 215 किया गया। OBC का 204 किया गया, और SC का 172, ST का 135, फीमेल का आल कैटेगरी में 181, और यंग सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर का भी आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद जस्ट कुछ महीनों बाद यहाँ पर 49,000 वाली भर्ती आई थी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम गया था। UR कैटेगरी में 185 गया था, 10 आप लोग देखते रहिए, OBC में 172, SC में गया था 145, और ST में यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 114, यहाँ पर काफ़ी अंतर मिलता है। फिर उसके बाद जेल वार्डर और फायरमैन की भी भर्ती कम्प्लीट हुई थी। UR का इसमें 187 गया था, OBC का 179, और अनुसूचित जनजाति का 156, जनजाति का 129 गया हुआ था यहाँ पर कट ऑफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो श्रेणी वार जो महिला कैटेगरी बुलाई गई थी, यहाँ पर देखेंगे तो इनका भी आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, 166 UR का था, OBC का 155 ही था, और SC का 133, ST का यहाँ पर कट ऑफ मतलब कम गई थी। क्यों गई थी, क्योंकि यह भर्ती काफ़ी पुरानी थी, इसका परीक्षा भी लेट हुआ था, और इसमें कम अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी कम भरा था, ठीक है। इसमें हमारा भी था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि रनिंग वगैरह सब चीज़ हो गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में 10.6 से छट गए थे, तो इसमें हमारा भी था इस वाले भर्ती में, तो इसमें अभ्यर्थी अन्य इन सब भर्ती की तुलना में कम थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो हमने बता ही दिया, अब देखिए फाइनली कट ऑफ की। तो देखिए, कट ऑफ आपने बहुत देखा यूट्यूब पर भी, यहाँ पर कुछ शिफ्टें आसान आ रही हैं, कुछ कठिन आ रही हैं, तो इसमें फ़ायदा किसको मिलेगा। देखिए, जो हमने यहाँ पर अभी दिखाया,
तो जिसकी शिफ्ट भी कठिन है, ठीक है, जिसकी शिफ्ट भी कठिन है उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। कितना बढ़ सकता है यह तो आयोग डिसाइड करेगा, जब आपका नंबर बन रहेगा काफ़ी चेक होगी उस समय पता चलेगा, मतलब शिफ्टों की तुलना की जाएगी, एवरेज निकाला जाएगा कि किस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यूपी पुलिस ने फार्मूला भी दिया था ऑफिशियल नोटिस के द्वारा, तो वहाँ से पता चलेगा कौन सी शिफ्ट ज़्यादा कठिन थे। वैसे यहाँ पर देखिए लोगों की डाटा के अनुसार तो हमने दिखाई दिया है, बाकी जो शिफ्ट कठिन रहेगी उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। शुरुआती जो शिफ्ट थी वहाँ पर इनको फ़ायदा मिलेगा, और जो लास्ट की 30 31 या फिर 25 26 वाली 25 की थी थोड़ा सा इन लोगों को कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट वालों को ही मिलेगा। अब देखिए बात करेंगे जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में दोस्त फाइनल के लिए आपको बता दें, यदि आपका, ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन के आसपास, 100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर तक, यदि आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को पूरा का पूरा सेफ मानिए, रनिंग वगैरह सब चीज़ स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपका इस कैटेगरी में इतना है तो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 96 से लेकर के 100, देखिए पेपर इतना भी आसान नहीं आया था जैसे कि लोगों ने यूट्यूब पर हवा दिखाया। अरे भाई वह सभी लोग टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उनको आसान तो लगेगा ही, ठीक है, तो पेपर उतना भी हलवा नहीं था। और बाकी पेपर देने में, वहाँ पर बताने में और घर आकर के मिलाने में, और जो पेपर दे रहा है उसी को ही पता चलता है एग्ज़ाम में प्रेशर क्या है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है, तो उतना हल्का भी पेपर नहीं था। तो ओबीसी में दोस्त यदि आपके 96 से 100 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, रनिंग वगैरह सब चीज़ शुरू कर दीजिए। और एससी कैटेगरी में 90 के करीब यदि आपके हैं तब भी आप शुरू कर दीजिए। एसटी में बात करें तो एसटी में 80 से ज़्यादा नहीं, यदि आपके 80 हैं, 80 से कम हैं तो आपको अपने आप को सेफ मानना है। 75-80 क्वेश्चन यदि आपके हैं तो रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब देखेंगे एससी और एसटी की तुलना में कट ऑफ में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसटी में यदि आपका 75-80 के करीब है, बिना सोचे समझे आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर फीमेल, ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी कट ऑफ यहाँ पर कम रहता है, ओबीसी से भी कम रहता है। तो दोस्त यदि आपका फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, 85 के करीब क्वेश्चन बन रहे हैं, 85 के लगभग यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं 150 में से, तो अपने आप को सेफ मानिए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 85 से एक दो नंबर कम भी बन रहे हैं, रनिंग स्टार्ट करिए। इसके अलावा एक सर्विसमैन की बात कर लें तो एक सर्विसमैन की भी पिछली परीक्षा में आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर उन लोगों की जो है कि कम जाती है, ठीक है। तो यदि आप एक सर्विसमैन हैं, आपके 50 क्वेश्चन से कम, ठीक है, 50 क्वेश्चन के आसपास यदि आपके सही हो रहे हैं, इससे कम भी है तो चलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 50 के आसपास है, इतना क्वेश्चन बन रहा है तो आप भी अपने आप को पूरा का पूरा यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। बाकी हमने एक बार फिर से बता दिया, आपको बता दें कट ऑफ कठिन शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, यहाँ पर कट ऑफ देखने को अंतर मिलेगा। और यह जो हमने सारी कट ऑफ बताई है यह विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यदि आपके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं आप अपने आप को दोस्त पूरा सेफ मानिए। बाकी नीचे एक बार सभी को आप कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर हैं, ठीक है, तो यह जो हमने कट ऑफ बताई यह संभावित कट ऑफ है। बाकी इसकी आंसर की बात करें तो आंसर की भी आपकी जल्द ही आएगी, एक हफ्ते के अंदर मान चलिए यहाँ पर आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद एक आध महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद रनिंग के लिए टाइम नहीं देता है यूपी पुलिस, तो आप लोग इतने में हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब सभी को कर देना है, घंटे के निशान को दबा देना है। जय हिंद।